व्हाट्सएप पर एक्सेल टेबल कैसे सेंड करते हैं। एक टाइम था जब हम ईमेल यूज किया करते थे अपने हर काम के लिए, चाहे आपको कोई डाटा सेंड करना था या कोई फाइल एक दूसरे को सेंड करनी होती थी तो हम ईमेल के जरिए भेजा करते थे। लेकिन व्हाट्सएप जब से आया है हमने इसका यूज काफी बढ़ा दिया, काफी यूज करने लग गए हम, और हम अपनी फाइल्स भी इसी के जरिए आजकल भेजने लगे। लेकिन अगर बात आए कि आपको ओनली एक्सेल टेबल सामने वाले को भेजनी है व्हाट्सएप के जरिए, तो वो आप कैसे करेंगे, एक्सेल से व्हाट्सएप तक कैसे जाएंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं हम अपनी उस एक्सेल फाइल पर जिसमें हमारा डाटा लिखा हुआ है, वो टेबल मौजूद है जो हम सामने वाले को सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके। अब इसे आप कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल प्लस सी से इसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब आप आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में जहां आपने अपना व्हाट्सएप ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। ठीक है, अगर आपको क्रोम में अपना व्हाट्सएप लॉगिन करना नहीं आता तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, पर फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप यहाँ पर लॉगिन कर रखा है और यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट भी खोल लिया है जिसको मैंने ये टेबल सेंड करनी है। ठीक है, यहाँ कॉन्टेक्ट खोल लिया है मैंने अपना वो, तो अब आप यहाँ वो टेबल कैसे लाएंगे। वहां से मैंने कर लिया था टेबल को कॉपी, अब आप आएंगे अपने यहाँ मैसेज बॉक्स में जहाँ आप अपने मैसेज टाइप करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस वी यानी कि पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर अपना डाटा पेस्ट करेंगे वो एक इमेज की फॉर्म में यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल अपनी टेबल को कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी करके पेस्ट कर दिया और इसने अपने आप हमारे उस टेबल को एक इमेज के रूप में, एक फोटो के रूप में यहाँ पर सेव कर दिया है। आपके मैसेज बॉक्स में ये आ गया है, अब आप इसे देख सकते हैं। इसे एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं, जो आपके व्हाट्सएप के फीचर है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है जो आपको पता ही है। आप ऐसा करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्लिक कर दीजिए सेंड और आपकी ये एक्सेल टेबल सामने वाले के पास एक फोटो के रूप में सेंड हो जाएगी। अब क्योंकि ये एक फोटो के रूप में सामने वाले के पास गई है तो जाहिर सी बात है वो इसे एडिट नहीं कर सकता, ये एक फोटो है। और अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले के पास ऐसी फाइल चली जाए कि वो उसे एडिट भी कर सके तो आप उसे अपनी पूरी एक्सेल फाइल ही सेंड करेंगे। कैसे करेंगे, आप अपनी लोकेशन पर जाएंगे जहां आपने वो फाइल सेव कर रखी है। मैंने यहाँ पर कर रखी है, एक्सेल 26 नाम से फाइल है जो मैं सामने वाले को सेंड करना चाहता हूँ। तो इसका सिंपल सा तरीका यही है, आप अपना कॉन्टेक्ट ओपन कर लीजिए जिसको आप ये सेंड करना चाहते हैं, अपनी लोकेशन पर जाइए जहां आपने अपनी एक्सेल फाइल सेव की हुई है। इसे करेंगे आप क्लिक, क्लिक छोड़े बिना आप इसे ड्रैग करेंगे, क्रोम पर आएंगे और यहां आपने इस मैसेज पर ड्रॉप कर देंगे, यानी कि अब आप अपने माउस पे से उंगली उठा लेंगे और इसे यहां ड्रॉप कर देंगे। मेरी फाइल यहां पर आ गई है और अब आप इसे कर देंगे सेंड और ये सामने वाले के पास प्रॉपर एक्सेल फाइल के रूप में सेंड हो जाएगा। जो फाइल आपके लैपटॉप में इस वक्त सेव है वही फाइल अब सामने वाले के पास सेंड हो चुकी है, जिसे वो एडिट भी कर सकता है। तो ये दो तरीके थे एक्सेल का डाटा सामने वाले को व्हाट्सएप के जरिए सेंड करने के लिए। अगर आप फोटो के रूप में ऐसे सेंड करना चाहते हैं तो सिंपल अपनी टेबल को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले के पास प्रॉपर एक्सेल फाइल सेंड हो जाए तो आप ऐसे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं और सामने वाले के पास पूरी एक्सेल फाइल सेंड हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने व्हाट्सएप के जरिए अपनी एक्सेल टेबल और एक्सेल फाइल को सेंड करना सीखा। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।